हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त और चैनल का उस फ्रंट। दोस्तों, GTA ट्रायलॉजी मोबाइल के ऊपर एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं मैं, जिसमें काफ़ी कमाल की न्यूज़ होने वाली है। ग्राफिक्स के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बातें करने वाला हूं। साथ ही साथ यहां पे दोस्तों, रिसेंटली रॉकस्टार गेम्स ने जो अनाउंसमेंट किया है रिलीज डेट को लेकर के, उसकी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और कमाल का तो होने वाला है, पूरा एंड तक एकदम ध्यान से देखते रहना। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे एंड्रॉइड और पीसी गेमिंग के वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी देता हूं यार, फायदे में जरूर से रहोगे। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें GTA ट्रायलॉजी मोबाइल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो अब वीडियो को एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। सो गाइस देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अभी रिसेंटली रॉकस्टार गेम्स ने जो अनाउंसमेंट किया है ट्रायलॉजी को लेकर के, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है पैचेस और अपडेट्स का, उसमें दोस्तों साफ साफ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी अवेलेबल डिवाइसेस है, PC, कंसोल्स, निंटेंडो स्विच, इनमें ही ये जो अपडेट्स है दोस्तों, पैचेस है, वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ना कि मोबाइल डिवाइसेस में। मोबाइल डिवाइसेस का यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट, कोई ट्रेलर, कोई टीजर अभी तक के रॉकस्टार गेम्स ने अनाउंस किया हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूँ कि रॉकस्टार गेम्स ने उनके न्यूज़ वायर के ऊपर ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो गेम है आप लोग को मार्च से लेकर के अपना जून के बीच में जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। रिलीज डेट हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो अपडेट इनका निकल करके आया है ना पैचेस का, तो वो सिर्फ और सिर्फ PC, कंसोल्स और निंटेंडो स्विच वालों में ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि रॉकस्टार गेम्स जो है ना यहाँ पे करके आ रहा है कि इस गेम को थोड़ा बहुत जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हैं, और जितने भी बग्स थे, जितने भी जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स थे, जिसको लेकर के लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट किया था और बहुत ज़्यादा जो है वो भर के बुराई की थी इस गेम की, वो सारी टेंशन रॉकस्टार गेम्स जो है यहाँ पे ख़त्म करना चाहता है, और धीरे धीरे वो लोग कर भी रहे, और गेम को थोड़ा बहुत जो है वो एकदम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंप्रूवमेंट्स करके, उसके अंदर अपडेट करके। तो वो गेम जो है थोड़ा थोड़ा अभी काफ़ी, मतलब GTA San Andreas की अगर मैं बात करूँ तो वो तो यार काफ़ी ज़्यादा कमाल का भी देखने के अंदर आ रहा है। तो फाइनली बात करते हैं अभी यहाँ पे अपडेट्स की, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए, PC कंसोल्स, निंटेंडो के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए यहाँ पे कोई अपडेट अभी तक के आया नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स की। कई लोग मुझसे पूछते हैं यार कि इसके ग्राफिक्स कैसे होंगे, व्हाट्सअप के ऊपर तो यार पूरी लाइन लगी हुई है मैसेज की भरमार है, मतलब ये ट्रायलॉजी के ऊपर, कि भाई ग्राफिक्स कैसे होंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। हालांकि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात इस वीडियो में मैं नहीं करने वाला हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में मुझे जानना है तो प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लेना, चैनल के ऊपर काफ़ी आप लोग को इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सिर्फ ग्राफिक्स को लेकर के। तो ग्राफिक्स के मामले में दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जितने भी र्यूमर्स और लीक्स निकल करके आए हैं, उनमें ये बताया गया है कि निंटेंडो स्विच में जैसे इसके ग्राफिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, सेम टू सेम आपको मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा बहुत जो है फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है, 1% का, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सेम टू सेम जैसे निंटेंडो स्विच के ग्राफिक्स है, वैसे ही ज़्यादा करके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी यहाँ पे आने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे GTA San Andreas की, तो यही एक गेम काफ़ी ज़्यादा जो आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, रियलिस्टिक ग्राफिक उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी के जो दो गेम हैं GTA 3 और Vice City, वो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही जो है वो पुराने कैरेक्टर्स थोड़े बहुत जो है एडिशन करके उन्होंने बना दिए। लेकिन हालांकि गेम अपने को खेलने के अंदर मज़ा तो आएगा ही आएगा, कुछ नया जो है वो अपने को कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ी बहुत नई लाइटनिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन GTA San Andreas काफ़ी कमाल देखने के लिए मिल सकता है, ऐसी उम्मीद हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे कर सकते हैं इस गेम से, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स की, तो निंटेंडो के जैसे ही आप लोग ये जो गेम है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाकर के देख लेना कि निंटेंडो स्विच में इसके ग्राफिक्स कैसे, ठीक है। अब दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिलीज डेट की, तो रिलीज डेट में देखो कोई बदलाव अभी तक ये हुआ हुआ नहीं है। 2022 के फर्स्ट हाफ ऑफ के अंदर ही ये गेम लॉन्च होने वाला है, यानी मार्च से लेकर के जून के बीच में। तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये एक्साइटेड हो चुका हूँ इस रिलीज डेट को लेकर के इस गेम की, क्योंकि कल से ही मार्च शुरू हो रहा है, आज है 28 फरवरी, तो कल से ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 का पीरियड है, मेन पीरियड, वो शुरू हो रहा है, और इसी के अंदर ट्रायलॉजी अपने को देखने के लिए मिलने वाला। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता देना, मैं तो काफ़ी ज़्यादा हूँ। और दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइस, मैं मिलता हूं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।